Okay, so let us start today's class. So in one of the numerical you have applied the concept of magnification. So let me tell more about magnification. Okay, और कुछ हम बोलना चाह रहे हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का बारे में. डू यू रिमेम्बर व्हाट आई हैव रोट अबाउट मैग्निफिकेशन? क्या डेफिनेशन क्या लिखा रहा मैंने? इट इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन बोल के बोलते हम लोग. ठीक है, सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? और सिंपली मैग्निफिकेशन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन. व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज इफ अगर हम एच आई को साइज बा हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज पकड़ लिया और एच ओ को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज दैट इज एच आई बाई एच ओ. ठीक है, यही है मैग्निफिकेशन. एम आई क्लियर? ये मैग्निफिकेशन. सो चीज क्या है ये असली में चीज क्या है? तो मैग्निफिकेशन एक क्वांटिटी है जिससे हम लोग एक इमेज कितना बड़ा कितना छोटा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव सेड? मैग्निफिकेशन इज नथिंग, कोई डेंजर चीज नहीं है. सी हाउ द साइज ऑफ द इमेज इज विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इमेज बड़ा हो गया ना छोटा हो गया. ठीक है, इसको ही कंपेयर करने के लिए जो क्वांटिटी आता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन. बस सिंपली you got it? It is just a quantity to compare the size of the image. क्योंकि image ही form होगा. Image with the size of the object. ठीक है, object का size का साथ हम लोग compare करेगा. किसको? Image का size को, image का height को. ठीक है, वही है magnification. तो example हम दिखा रहा है, example दिखाने से पता चल जाएगा आपको. जैसे आपका इमेज का साइज, सपोज इमेज का हाइट है सपोज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट था एच ओ था सपोज 5 सेंटीमीटर. कौन बड़ा है यहां में? ऑब्जेक्ट ना इमेज? इमेज बड़ा है 10, ऑब्जेक्ट छोटा था. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? एच आई बाई एच ओ. एच आई कितना है? 10. एच ओ कितना है? 5. आई थिंक सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाए, कितना होगा? 2. है कि नहीं? इट इज एग्जाम्पल नंबर वन. और एग्जाम्पल देता है जहां में हाइट ऑफ द इमेज है सपोज, इस बार उल्टा, 5, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10. इस बार बड़ा कौन है? ऑब्जेक्ट बड़ा है 10, इमेज छोटा हो गया 5. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? फिर से एच आई बाई एच ओ. एच आई कितना है? 5. हाइट ऑब्जेक्ट कितना है? 10. काट के कितना होगा? हाफ. हाफ को अगर डेसिमल में लाने से कितना होता है आप लोगों को पता है, आप लोग एक्सपर्ट है क्लास 10, देयर इज 0.5. देखो सबसे बड़ा गलती क्या, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के फिर मैंने ये सेंटीमीटर लिखा, यहाँ में सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यहाँ में सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, सो अब एक तो कॉन्सेप्ट हमारा पास आ गया कि मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट. मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं है क्योंकि अगर मीटर मीटर है कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. ठीक है, जैसा आप लोग क्लास 9 में पढ़ा रहे, याद है फिजिक्स का एक चैप्टर में रिलेटिव डेंसिटी, याद है? एक बार याद कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता था, सिर्फ मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं. इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी क्योंकि रेशियो है ना, एक रेशियो, रेशियो का कभी भी यूनिट होता नहीं. सो ये जस्ट एक रेशियो है. देखिएगा मैंने क्या बोला, ये रेशियो क्या हेल्प करता है हम लोग को? इट कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स इमेज या बड़ा हुआ या छोटा हुआ ऑब्जेक्ट का तुलना में, ये बोलने के लिए मैग्निफिकेशन हेल्प करता है. तो ये पहला वाला एग्जाम्पल, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल. तो पहला में इमेज का हाइट 10 था, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 है.
तो यहाँ में बड़ा कौन है, इमेज का साइज कितना निकला, मैग्निफिकेशन 2, और यहाँ में इमेज छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, यहाँ में कितना निकला 0.5। मीन्स हमें कंक्लूजन दे सकता है, आप लोग जानना है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इफ मैग्निफिकेशन वैल्यू इज मोर देन 1, देन इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 ना 2, 1.2 1.3 जो भी हो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द साइज ऑफ द इमेज इज बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां में देखो, यहां में ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, और कितना निकला 0.5, लेस देन 1। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, क्या कंक्लूजन मिला हम लोगों को, देन इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर एवरीवन, समझा? सो यहां से कंक्लूजन लिख सकता हम लोग, दैट यहां से एक लिख दे रहा हम लोग कंक्लूजन, दैट नंबर 1, इफ मैग्निफिकेशन एम इज ग्रेटर देन 1, इसको ऐसा भी लिखता है, एम ग्रेटर देन 1, खत्म, एम ग्रेटर देन 1। सो अगर एम 1 से ज्यादा है तब क्या होगा, देन इमेज इज बिगर देन होम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इफ एम इज स्मॉलर देन 1, 1 से कम, देन इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन से आप लोग का हेल्प हो रहा है कि इमेज बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, देखो एम का वैल्यू से मोर देन 1 या लेस देन 1। और अगर एम 1 हुआ, इफ एम इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, सोचो हाइट ऑफ द इमेज है 5, ऑब्जेक्ट भी था 5, दोनों कट के कितना होगा 1, तो 1 कब होगा, जब दोनों का साइज सेम होगा। सो एम इज इक्वल टू 1 से हम लोग को क्या पता चल रहा है, देन इमेज साइज इज इक्वल टू होम, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते, इफ एम इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इफ एम इज स्मॉलर देन 1, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड एम इज इक्वल टू 1, मींस इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल। एम आई क्लियर दिस मच?